नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डिजिटल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटेस्ट अपडेट को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भर्ती संबंधित कोई भी सूचना होती है सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डिजिटल चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर भर्ती साथ में डिजिटल पीजीटी और सीटेट के बारे में। तो बनवा फिर सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हमारे माध्यम से लगातार आप सभी को जो पल पल की अपडेट है वो दे दी जाती है, तो ऐसे में एक लाइक तो बनता है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि तमाम चीज़ें अन्य भर्तियों के अंदर देखने के लिए मिल रही हैं, चाहे अगर बात करें टीजीटी की हो या फिर जूनियर की हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीजीटी भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार नए विज्ञापन का जो इंतजार है वो किया जा रहा है। छात्र पहले से ही परेशान है नए विज्ञापन के लिए, लेकिन ऐसे में उनके सामने एक और बड़ी समस्या देखने के लिए मिल रही है जो कि है टीईटी लागू करने के लिए। अगर टीईटी लागू कर दिया जाता है तो आगामी समय के अंदर आप सभी जानते हैं कि 3 से 4 महीने भर्ती और डिले हो जाएगी, क्योंकि 31 मार्च के बाद में टीईटी का प्रारूप तय होगा। उस प्रारूप को होने में फिर नया टीईटी देखने के लिए मिलेगा और भी तमाम चीजें होने वाली हैं। और रोज समाचार पत्रों के अंदर इस प्रकार की जानकारी भी देखने के लिए मिल रही है कि नई भर्ती के अंदर टीईटी लागू कर दिया जाएगा। और अगर इस प्रकार का कोई फैसला देखने के लिए मिलता है तो टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती होगी वो जुलाई तक तो क्या नवंबर तक भी पूरी नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उन सभी के लिए अच्छी खबर देखने के लिए मिल रही है जो कि बड़ी खुशखबरी है, चाहे वो तदर्थ शिक्षकों के लिए हो या फिर बीएड अभ्यर्थियों के लिए। इसीलिए जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर अवश्य कर देना। जैसा कि दोस्तों आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिली थी कि नई भर्ती के अंदर टीईटी लागू कर दिया जाएगा, तो अभी तक जो जानकारी देखने के लिए मिली ऑथेंटिक सोर्सेज के माध्यम से बड़ी अपडेट मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ। और इस वीडियो को आप सभी शेयर करके रख सकते हैं जब आपको टीजीटी पीजीटी भर्ती देखने के लिए मिलेगी, मतलब नई शिक्षक भर्ती जो आने वाली टीजीटी पीजीटी चयन बोर्ड के माध्यम से, जिसके अंदर आप सभी को पता है कि 15,000 पदों की संख्या होगी, उसमें टीईटी लागू नहीं किया जाए। मतलब जो दोज आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि टीईटी इसके अंदर लागू हो जाएगा, तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी कहने के अवसाद में थे कि अगर टीईटी लागू होता है तो जैसे तैसे तो भर्ती 4 साल बाद निकली थी, फिर एक नए विवाद के अंदर फंस जाएगी। तो ऐसे में उन सभी को बड़ी राहत देखने के लिए मिल रही है। मैं एक बार फिर से आप को समझा दो कि टीईटी इस भर्ती के अंदर लागू नहीं किया जाएगा। जो 2021 के अंदर विज्ञापन जारी होगा इसके बारे में बड़ी अपडेट आप सभी के सामने है। टीईटी को लेकर यहां पे कंफर्मेशन लगभग मिल चुका है। ऐसे में जल्दी आप सभी के माध्यम से जब आयोग का विज्ञापन जारी होगा इसको लेकर भी आप सभी को बता दिया जाएगा। साथ ही जो अभ्यर्थी नए विज्ञापन का इंतजार करें इसके बारे में जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि यहां पर चयन बोर्ड के माध्यम से जल्दी एक बैठक देखने के लिए मिलेगी और इस बैठक के अंदर फैसला होगा। तथा शिक्षकों के बारे में जैसा कि आप सभी को पूर्व में बताया गया था कि अभी तक जो बैठक में कोई भी निर्णय नहीं हुआ है तथा शिक्षकों की वजह से, इसी वजह से जो विज्ञापन है वो जारी नहीं हुआ है। तो अगले हफ्ते इसकी जो बैठक है वो आप सभी को देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वो है टीईटी को लेकर कि इसके अंदर टीईटी लागू नहीं किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल विज्ञापन के बारे में आता है, तो विज्ञापन के बारे में भी जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि विज्ञापन भी जल्द आने की संभावना, लेकिन कहीं ना कहीं सब कुछ डिपेंड करेगा अगली होने वाली बैठक के अंदर। हालांकि अभी तक कोई भी निर्धारित तारीख किसी के पास में देखने के नहीं मिली है। अंदर से जो जानकारी देखने के लिए मिली है उसके अनुसार जानकारी यही है कि अगली बैठक के अंदर तदर्थ शिक्षकों पर जो फैसला है वो होने की संभावना है और जल्दी जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। लेकिन विज्ञापन पर थोड़ा सा विवाद अभी बना हुआ है, लेकिन जो सबसे बड़ा विवाद देखने के लिए मिल रहा था टीईटी को लेकर, उसकी वजह से बहुत सारे अभ्यर्थियों को समस्या होनी थी, तथा शिक्षकों को भी होनी थी और 4 से 5 महीने भर्ती और स्थगित हो सकती थी। तो ऐसे में इसके अंदर टीईटी लागू नहीं होने वाला है। जो भी अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन करें, लगातार अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, विज्ञापन को लेकर भी जल्द आप सभी को जो खुशखबरी है वो देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि वो डिसाइड होगा बैठक के अंदर, लेकिन ऐसे में जो जानकारी देखने के लिए मिली है टीईटी के बारे में इसको आप सभी बिल्कुल 100% कन्फर्म समझ सकते हैं कि इसमें टीईटी लागू नहीं होने वाला है। बाकी इसके अलावा विज्ञापन को लेकर आपको एक हफ्ते और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बैठक के बाद में जो भी फैसला होगा सबसे पहले आप सभी को दे दिया जाएगा। तो खुशखबरी के तौर पर वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर देना, क्योंकि टीईटी लागू होता तो भर्ती और भी डिले हो सकती थी। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, बहुत सारे अभ्यर्थी के मन में सवाल है कि नए शासन आदेश के माध्यम से क्या क्या बदलाव देखने के लिए मिलेगा, अब परीक्षा का पैटर्न क्या होने वाला है। तो ऐसे में सबसे पहले मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा, तो जैसा कि जानकारी आप सभी को सुबह के समाचार पत्रों के अंदर देखने के लिए मिली कि इसके अंदर कहीं ना कहीं बदलाव देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि शासन की तरफ से कहा गया है कि यहाँ पे 2 परीक्षाएं होने वाली हैं। लेकिन ऐसे में परीक्षा नियामक प्राधिकारी का कहना है कि एक ही जो परीक्षा है वो करवाई जाएगी, उसके बाद से अभ्यर्थी के मन में सवाल था। तो सबसे पहले मैं आप सभी को कुछ जानकारी दे देना चाहता हूँ शासन आदेश के माध्यम से कि नए शासन आदेश के अंदर क्या क्या बदलाव आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद हम बात करेंगे मेन मुद्दे पर। तो जैसा कि आपको बताया कि 18 तारीख से आपके जो आवेदन है वो शुरू होंगे, मतलब 18 को विज्ञापन आएगा, 22 से आपके जो आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे।
तो ये सब कुछ तो लगभग आपका सेम ही रहेगा, लेकिन ऐसे में जो मेन चीज आप सभी के सामने यहाँ पे आती है 14 नंबर के पॉइंट के अंदर, इसको समझने की आप सभी को आवश्यकता है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर भी देख पा रहे, अगर हम बात करें परीक्षा की जो तिथि आप सभी के सामने आती है 11/4/2021 आप सभी यहाँ देख सकते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बात करें जो सहायक अध्यापक की परीक्षा होगी 9 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच में देखने के लिए मिलेगी, साथ ही जो प्रधान अध्यापक की परीक्षा होने वाली है वो आप सभी को देखने के लिए मिलेगी 1 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच। और जो द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में जानकारी है उसके अंदर लिखा हुआ है कि सहायक अध्यापक और प्रधान अध्यापक दोनों की जो परीक्षा होगी वो 4:30 से लेकर 5:30 के बीच में होगी। हालांकि इसको लेकर कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है, इससे छात्रों का फायदा भी है। बहुत सारे अभ्यर्थी इस बदलाव को लेकर परेशान थे, हालांकि जो हमारे अधिकारी हैं वो गलती करते रहते, उनको आदत है, लेकिन अगर ऐसे अलग अलग फेज के अंदर परीक्षा करवाई जाती तो नुकसान सभी अभ्यर्थियों को होता। लेकिन ऐसे में जो द्वितीय प्रश्न पत्र आप सभी को देखने के लिए मिलेगा उसको लेकर जो जानकारी आप सभी को समाचार पत्रों के अंदर देखने के लिए मिली थी, उनका कहना था कि इसी के अंदर खंड का और खंड खा आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। मतलब एक तो वो सब्जेक्ट हो जाएगा जिसको आप चूज करेंगे, चाहे अगर बात करें भाषा में से, विज्ञान में से, सामाजिक में से, या फिर अगर बात करें जो आप सभी को हिंदी देखने के लिए मिलेगा, मतलब वो भाषा के अंदर ही आ जाएगा, गणित की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो एक तो वो आप सभी की परीक्षा होगी, साथ में जो आपके 50 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है सामाजिक को लेकर, माफ कीजिए सामान्य अध्ययन को लेकर, वो और दोनों को मिलाकर आपकी 2.5 घंटे की परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। अगर हम यहां पर नोट करके देखें तो 1.5 घंटे की परीक्षा ये थी और 1 घंटे की परीक्षा यहां पर देखने के लिए मिल रही थी। हालांकि इसके अंदर अलग अलग परीक्षाएं देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों पेपर एक साथ ही करवाए जाएंगे। 150 क्वेश्चन का आपका जो पेपर है वो होगा, तो पेपर के पैटर्न के अंदर आपको यह बदलाव देखने के लिए मिलेगा। इसके अंदर पहले जो जानकारी दी, आपका जो सब्जेक्ट का पेपर होगा उसके लिए आपको 1.5 घंटा मिलेगा, लेकिन दूसरा जो आपका देखने के लिए मिलेगा सामान्य अध्ययन का, उसके लिए आपको 1 घंटा मिलेगा, ऐसा इसके अंदर लिखा हुआ है। लेकिन असल में यहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिल रही है, चाहे अगर बात करें सहायक अध्यापक को लेकर प्रधान अध्यापक के बारे में, उनकी तरफ से यहाँ पर जानकारी है कि दोनों का जो आप सभी का पेपर आने वाला है वो आप सभी को कुछ इस प्रकार देखने के लिए मिलेगा कि 2.5 घंटे की आपकी परीक्षा होगी और 150 क्वेश्चन आप सभी को एक साथ ही पूछे जाएंगे। मतलब कि खंड का के अंदर आप सभी मान सकते हैं कि सामान्य अध्ययन आ जाएगा और दूसरे जो आपका पार्ट टू होगा उसी के अंदर आप सभी का जो भी सब्जेक्ट आप चूज करेंगे वो आने वाला है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो क्या क्या आपको बदलाव देखने के लिए मिलेगा, पहला तो ये कि आपका समय बचेगा, दूसरा ये भी होगा जैसा कि आपको बताया सामान्य अध्ययन के अंदर ज्यादा समय नहीं लगता है, बहुत सारी चीजें यहां पे हम क्लियर भी कर लेते हैं। तो 2.5 घंटे आपको जब एक साथ मिलेंगे तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को यहां पे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी भी होगी, और किसी क्वेश्चन पर अगर ज्यादा समय नहीं लगता है तो कहीं ना कहीं वो अपने टाइम को बचाकर दूसरे क्वेश्चन पर समय दे भी पाएंगे। लेकिन अलग अलग से अगर आपको 1 घंटा 1.5 घंटा दिया जाएगा तो इससे कहीं ना कहीं पेपर के अंदर थोड़ी समस्याएं भी अभ्यर्थियों को देखने के लिए मिलती है, और समय तो सबसे बड़ी चीज होती है जो कि आप बचने भी वाला है। तो इससे कहने की विज्ञापन को लेकर कोई बड़ा खतरा नहीं है, कोई क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में इस चीज को लेकर सवाल था कि इसकी वजह से कहीं भर्ती लटक तो नहीं जाएगी, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा जिसकी वजह से इंतजार करना पड़ेगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इससे सिर्फ और सिर्फ आगामी समय के अंदर आप लोगों के लिए बेनिफिट ही है अगर इस प्रकार का हो रहा है। पहले अलग अलग बताया गया था, लेकिन अब जो नया शासन आदेश आएगा कभी भी आ सकता है, 1-2 दिन के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि 18 को तो विस्तृत विज्ञापन आने वाला है, तो उससे पहले आप सभी के सामने जो चीज है वो स्पष्ट हो जाएंगी। बाकी अधिकारियों की गलती तो आपको देखने के लिए मिलती है, बाकी और शासन आदेश के अंदर कोई बदलाव आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अन्य जो भी चीजें आप सभी की आने वाली हैं एज इट इज रहेंगी, जो आप सभी को पहले देखने के लिए मिली हैं, चाहे अगर बात करें हिंदी को लेकर, भर्ती परीक्षा के बारे में, TET को लेकर, और भी जो जानकारी आप सभी के सामने लिखी है, बाकी जो भर्ती का विस्तृत विज्ञापन आने वाला है उसके लिए आप सभी को 18 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा। तो ये तो दोस्तों आप सभी को बता दिया कि जूनियर भर्ती के परीक्षा पैटर्न के अंदर क्या क्या बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा, पहले क्या था अब क्या होने वाला है। साथ ही भाषा और गणित के बारे में मैंने आप सभी को पहले से बता करके रखा है कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, अभी तक इस प्रकार की जानकारी दोनों शासन आदेश के अंदर नहीं दी गई है। हालांकि इस प्रकार ही आप सभी से लिया जा सकता है, जैसा कि मैंने पहले भी कई बार आप सभी को बताया था कि आप सभी का जो लास्ट ईयर के अंदर सब्जेक्ट होगा उससे आपके आवेदन लिए जाएंगे, लेकिन इसको लेकर जो कन्फर्मेशन है वो आप सभी को देखने के लिए मिलेगा जब 18 तारीख का शासन आदेश आएगा। तो तब तक आप थोड़ा सा और पेशेंस रखिए। इसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थी के मन में सवाल यह भी है कि CTET की जो परीक्षा करवाई गई थी क्या वो अभ्यर्थी इसके अंदर शामिल, लगातार इसको लेकर अभ्यर्थी पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सर आंसर की रिजल्ट के बारे में क्या जानकारी देखने के लिए मिल रही है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि CTET वाले अभ्यर्थी शामिल तो हो सकते हैं, जैसा कि विज्ञापन के अंदर आप सभी को मैंने कई बार बताया है कि अंतिम तारीख से पहले आपका रिजल्ट आना चाहिए तभी आप लोग इसके अंदर शामिल होंगे। चाहे कोई अपीयरिंग वाला भी होता है वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा, लेकिन जब तक आपके
आवेदन की अंतिम तिथि है, तब तक आपका रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पर यही देखने के लिए मिल रहा है कि सीटेट की आंसर की रिजल्ट कब आने वाले हैं। ऐसे में सीबीएसई के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिली थी कि फरवरी के दूसरे सप्ताह के अंदर जारी कर दिए जाएंगे। अभी तक दूसरा सप्ताह आप सभी के सामने चल रहा है, जानकारी ये भी है कि एक दो दिन के अंदर आंसर की आने की संभावना है। अगर ज़्यादा डिले होता है तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के लिए तमाम समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं और कहीं ना कहीं जूनियर भर्ती से बाहर निकलना भी पड़ सकता है। जैसा कि आप सभी को बताएं कि लगभग 14 तारीख हो चुकी है, अभी तक जो आंसर की है वो जारी नहीं की है। जितना समय आंसर की में लगेगा उतना ही आपको इंतजार करना पड़ेगा रिजल्ट के लिए। सीबीएसई का कहना था कि 15 तारीख के आसपास आपकी जो आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी। साथ में उनका ये भी कहना था कि मार्च के प्रथम सप्ताह के अंदर आपको जो रिजल्ट है वो देखने के लिए मिल सकता है। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी लगातार इस चीज़ को लेकर पूछते हुए दिखाई दें कि शामिल होगा कि नहीं होगा, शामिल तो होगा लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा आपके रिजल्ट के ऊपर कि आपका रिजल्ट कब तक जारी किया जाता है। आंसर की से सिर्फ आपको पता चलेगा लेकिन कहीं ना कहीं रिजल्ट से आपको क्लियर होगा कि आप भर्ती के अंदर बैठ सकते हैं कि नहीं। हालांकि आपको बताया गया था कि प्रथम सप्ताह के अंदर जारी हो जाएगा, तो तब तक आप सभी इंतजार करें। लगातार अपने ट्विटर के माध्यम से मांगों को भी रख सकते हैं जैसे कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट की घोषणा है वो आप सभी को देखने के लिए मिल पाए। तो ऐसे में अभी तक जो जानकारी वो यही है रिजल्ट और आंसर की के बारे में। बाकी कोई अधिकारिक जानकारी निकलेगी तो आप सभी को सबसे पहले दे दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।